Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. एमवे इंडिया, आपने कभी न कभी इस कंपनी के ब्यूटी हेल्थ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए होंगे। अब इस कंपनी पर घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। एमवे इंडिया पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप लगा है। इस स्कैम का खुलासा ईडी की जांच में हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय एमवे इंडिया पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। ईडी ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने एमवे की 411.83 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा 36 बैंक खातों से 346 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस को स्थायी रूप से कुर्क किया है। जो संपत्ति जब्त की गई है उसमें तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कंपनी की जमीन, फैक्ट्री, प्लांट्स और मशीनरी शामिल है। किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने का मतलब है कि इसे ट्रांसफर, कन्वर्ट या मूव नहीं किया जा सकता। ईडी की ओर से की गई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में पता चला कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक एमवे इंडिया में मेंबर बनाने के लालच में लोग महंगी कीमत पर प्रोडक्ट खरीद रहे थे। नए मेंबर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीद रहे थे, बल्कि अपलाइन मेंबर में दिखाए अमीर बनने के लालच में ऐसा करते थे। एमवे इंडिया ने साल 2003 से 2022 तक अपने कारोबार में 27,562 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। कंपनी ने इसमें से 7,588 करोड़ रुपए का कमीशन भारत और अमेरिका में अपने सदस्यों और डिस्ट्रीब्यूटरों को दिया। एमवे का पूरा फोकस इस बात का प्रचार करने पर है कि कैसे सदस्य बनकर लोग अमीर बन सकते हैं। कंपनी का उत्पादों पर कोई ध्यान नहीं है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल एमएलएम पिरामिड फ्रॉड को चलाने के लिए किया जाता है। सरकार ने दिसंबर में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर पिरामिड स्कीमों को प्रमोट करने पर रोक लगा दी थी। पिरामिड स्कीम एक तरह की मल्टी लेयर्ड नेटवर्क होता है। इसकी स्कीम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को जोड़ता है। नए व्यक्ति को जोड़ने पर उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। इस स्कीम में मनी सर्कुलेशन यानी पैसे को घुमाया जाता है, जिसमें नए जुड़े लोगों का पैसा पुराने लोगों को मिलता है। पिरामिड के नीचे वाले लोगों को अक्सर इसमें लॉस उठाना पड़ता है। पिरामिड स्कीम पर भारत समेत अधिकतर देशों में पाबंदी है, लेकिन ये कंपनियां सीधे पैसों का सर्कुलेशन ना कर अपने प्रोडक्ट के जरिए मनी सर्कुलेशन करती हैं। इसकी वजह से सरकार ने इस पर बैन लगाने का फैसला किया था और अब ये कंपनी भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।